हे गाइज़, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आर डी फ्रेंड्स। सो गाइज़, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 3591 पोस्ट की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आउट की गई थी, जहां की आप लोगों के डीवी वगैरह भी हुए थे। और गाइज़, अभी जो देखिए यहां पे जो है एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जो कि ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट है और ये वडोदरा डिवीजन से निकाला गया है। तो ये आप लोगों को मैंने देखिए यहां पे जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया इस पीडीएफ को। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो गाइज़, ये पीडीएफ हमने खोल लिया है और यहाँ पे देखिए जो ये निकाला गया है पश्चिम रेलवे की ओर से, और ये देखिए डेट देख लीजिए तो 25 तारीख का ये डेट है, वडोदरा के ओर से निकाला गया, ठीक है, वडोदरा डिवीज़न की तरफ से। तो यहाँ पे गाइज़, जो भी बच्चे जिन्होंने भी डीवी करा लिया था वडोदरा से, तो वो लोग जो भी फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट होता है उसका वेट कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है दे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पूरा लिस्ट भी इनक्लोजर है इसमें, जो कि लिस्ट देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, फिर आपका वायरमैन का है, फिर RAC का है, फिर इसी तरह से पूरा नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा आप लोग को मिलता जाएगा। चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेकर के जाना होगा और कब रिपोर्ट करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। बट उसके पहले गाइस, चैनल पे जो भी बच्चे न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अदर अपडेट्स भी रेलवे से जुड़ी हुई सारी आई हुई है, जैसे कि BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का अप्रेंटिस का वैकेंसी आया हुआ है, ITI और 10th पास दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स का भी आया हुआ है अप्रेंटिस का वैकेंसी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आज के ही डेट में 9th मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसरो का भी वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिसशिप का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे कुछ नियम और कंडीशंस जो रखे गए हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहली बात तो आप लोगों को जो है ये रिपोर्ट करना है किस डेट को, तो 4 तारीख को रिपोर्ट करना है, ठीक है, 4 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ में जितने भी आपके दस्तावेज हैं, जितना भी आपका जो सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, अपना जेरोक्स कॉपी भी करा लीजिएगा, और जैसे ITI का मार्कशीट, फिर जो है 10th का मार्कशीट, ये सब ले लीजिएगा, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, और इसके बाद जो है आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। हालांकि DV कराए होंगे, लेकिन DV कराने के बाद फिर से ले जाइएगा। फिर आपका बैंक पासबुक जो है उसका फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आप लोग अपना ले लीजिएगा, ठीक है, और आपको 4 तारीख को पहुँच जाना है, ठीक है। तो कहाँ पहुँचना है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, बट उसके पहले देखिए यहाँ पे जो है आप लोग मेरिट लिस्ट अपना चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे मैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा, उसमें ट्रेड मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, फादर्स नेम मिल जाएगा, कास्ट मिल जाएगा, DOB डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट भी पता चल जाएगा, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में आपको ये करना है, मतलब कि ज्वाइन करना है। उस तरह से यहाँ पे नीचे चलते जाते हैं और देख लीजिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मिल जाएगा, फिटर का, ट्रेड का भी है यहाँ पे। फिर नीचे बढ़िएगा तो आप लोग को RAC ट्रेड मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे वायरमैन और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल। तो गाइज़ ये जो है पूरा अपडेट है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कहाँ पहुँचना है आपको। तो गाइज़ आपको पहुँचना होगा ये एड्रेस जो है आपका वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे प्रताप नगर वडोदरा, ठीक है, 39004, ये आपका पिन कोड हो गया, ठीक है। तो वेस्टर्न रेलवे प्रताप नगर वडोदरा 39004, मतलब कि यही एड्रेस एक तरह से प्रताप नगर वडोदरा 4, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुँचना है, मंडल रेल प्रबंधन का कार्यालय, ठीक है, इस एड्रेस पे आपको पहुँचना होगा, जो कि वेस्टर्न रेलवे का है, ठीक है। तो ये आप लोग को 4 तारीख को पहुँचेगा। बट उसके पहले गाइज एक बात और जान लीजिए कि आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके बाद ही जाइएगा, उसका भी प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले अपडेट में, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन में, कुछ आता है और अपडेट तो आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।